जब जब बहार आए। हमारी हिम्मत कैसे हुई कहने की? मैं इस घर का गर्जवा हूं, इस घर का खाता हूं। विकी प्लीज प्लीज तुम जाओ यहां से। तुम बिल्कुल चुप रहो। तो मैं बताऊंगा इसके ऊपर। कामिया दो दो बच्चों के साथ इस घर में पड़ी हुई है, उस समय तुम्हें ख्याल नहीं आया? तमीज से बात करिए, भाभी है मेरी। अच्छा, तो तुम्हारी भाभी जब अपने बच्चों के साथ दर दर की ठोकरे खा रही थी तब कहां थे तुम? हम लोगों ने उनको नहीं निकाला था, वो अपनी मर्जी से गई है। ऐसा मत, तो जब वो नहीं समझे तो तुम उन्हीं की बहन को भगाने आ गए? वाह, इतनी नीच हरकत कर सकते हो तुम, और बात करते हो खानदान की। अगर तुम्हारे खानदान में जरा से भी शराफत होती ना तो इतना बड़ा तमाशा होने के बाद टीना से बात करने की जरूरत भी नहीं करती। 9 साल पुरानी बहू को तो संभाल नहीं सके, तुझे भी बर्बाद करके रास्ते में छोड़ देंगे। यही फितरत है इस खानदान की। गए जी, आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने आपको माफ कर दी। क्योंकि हमारे खानदान में बड़ों को माफ करना सिखाया जाता है, नहीं तो मैं आपको बताता। मत कर मेरे से। भाई साहब क्या करेगा, क्या करेगा? मारेगा मुझे? बड़ा भाई वैसा ही छोटा भाई। ना भाई साहब ना। विक्की तुम जाओ यहाँ से। पहले तुम अंदर चलो। चलो विक्की भैया। भाई सेठ चलो। चलो विक्की भैया। विक्की भैया चलो, आपको पता भी है कितनी समस्या खड़ी कर दी आपने टीना के लिए और कामिया भाभी के लिए भी। चलो अब चलो चलो विक्की भैया चलो। अभी तुम्हारी मॉम को कॉल करके ये सारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। नहीं जीजू प्लीज, मम्मी को कुछ मत बताना, इसमें विकी का कोई कसूर नहीं है। मतलब? स्पीक अप। मैंने ही उसे यहाँ पर बुलाया था। शर्म नहीं आती? उन लोगों ने 9 साल तुम्हारी बहन का इस्तेमाल करके उसे दर दर की ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया, और तुम उसी खानदान के लड़के के साथ। इसका दीदी से क्या लेना देना? काम्या दीदी और मनीष जीजू ने अपनी मर्जी से फैसला लिया है ना तलाक का, और विकी और मेरी शादी उसकी सहमति तो सभी ने तलाक के फैसले से पहले ही दे दी थी। आप क्यों बीच? ओह, I'm sorry, गलती हो गई मुझसे। तुमने जता दिया ना कि मैं इस घर का घर जवाई हूं। I didn't mean it. You mean it? You really mean it? अब कुछ और बोलने की जरूरत नहीं। उन घटिया लोगों ने तुम्हारे दिमाग में जहर भर दिया। सबने मिलकर मुझे यह एहसास दिला ही दिया कि मैं पराया हूं। गेट अप, गेट अप, जाओ जाओ, गो, रन विद हिम, भाग जाओ उसके साथ और कर दो अपनी मम्मी पापा का मुंह शर्म से काला। गो, चलो मैं तुम्हें छोड़ के। जीजू चलो। नहीं नहीं चलो। नहीं जीजू प्लीज। और मैं विक्की सर से माफी भी मांगू। आई एम सीरियस। कम कम। अरे दिमाग काम नहीं करता है क्या तेरा? बुद्धि नहीं है तुझमें? बदतमीज कहेंगे। क्या हुआ?
इतना चिल्ला क्यों रहे हैं आप? ये देखिए, ये आपके लाडले रोमियो बनने गए थे। मतलब? मतलब ये कि कपूर साहब की बेटी टीना को भगाने गया था ये। ये तो करता है तू इसको। क्या कर रहे हैं आप? जवान लड़का ही। अरे लानत है ऐसी जवानी पर जो शर्मिंदगी के अलावा और कुछ ना दे। इनको पढ़ा लिखा के इसलिए बड़ा किया है हमने कि हमारी इज्जत को खराब करें। पापा मैं टीना से बहुत प्यार करता हूँ और इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो शुकेश जी ने मुझसे बदतमीजी से बात करी थी। सही बात है सर जी, विक्की बाबा की कोई गलती नहीं है। तू तो चुप रह, तू उससे बाद में बात करूंगा। चोर का गवाह गिरा कट। ठीक ही तो कह रहे हैं वो, इसमें इसकी क्या गलती? हम लोगों ने तो मिलके इनकी शादी की बात तय की थी ना कविता, तब हालात दूसरे थे। अरे हालात अगर बदल गए हैं तो इसमें इसका क्या कसूर है? इनका कसूर है उन्हें तो आप कुछ कहते नहीं। चल बेटा। कविता, और हाँ तू तू तो एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तरा बांध और चल यहां, तेरी जरूरत नहीं है अब हमें। सर जी इतनी क्या बड़ी गलती कर दी मैंने कि आपने इतनी बड़ी सजा दे दी? क्योंकि हमारे घर का ये उसूल बन गया है कि अगर गलती कोई और करे तो सजा दूसरों को भुगतनी पड़ती है। इसलिए तू अपना बोरिया बिस्तरा बांध और चल यहां से, चल। क्या देखूं? इस घर में सबकी आंखों में पट्टी पड़ी हुई है और कान में सीसे पड़े हैं। पर हाँ, तुम भी कभी मुझे हॉस्पिटल में मिलो तो हैरान मत होना। क्या हो गया? कुछ तो सोच समझ के बात किया करिए, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे उस सुकेश के कहने पर मेरे पार्टनर के पैसे लगाए ना मैंने राठी, वो बहुत खतरनाक है। वो मेरी आरती नहीं उतारेगा, मेरी हड्डी पसली तोड़कर मुझे हॉस्पिटल भेज देगा। पर हाँ तुम डरना नहीं, मैं उसे कहूंगा कि भैया इतना होश में रखना कि वहां से फोन करके अपनी बीवी को बता सकूं कि मैं कौन सी हॉस्पिटल में हूं। अरे सब लोगों ने परेशान करके रखा है मुझे। तो अच्छा हुआ जो मैंने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया। मुझे कपूर खानदान का घटियापन गिना रहा था। मुझसे कहता है कि तुम तो घर जमाई हो, ले जाऊंगा मैं टीना को। देखो सुकेश, इसमें टीना को कोई कसूर नहीं है। उसकी शादी तो तब तय हुई थी ना, जब हमारा तलाक भी नहीं हुआ था। जी नहीं, कोई शादी उदी तय नहीं हुई थी। आपकी दादी सास ने झोली फैला दी थी मम्मी जी के सामने कि आपकी बड़ी बेटी तो हमारे घर में रौनकें बढ़ा रही हैं, छोटी को भी हमें दे दीजिए। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सही समय रहते उनकी असलियत सामने आ गई, वरना आपके साथ साथ उसकी जिंदगी भी बर्बाद करके छोड़ देते। बदतमीजी और गुंडापन तो उनके रग रग में बसा हुआ है। सच कह रहा हूं कामया, सिर्फ आपकी वजह से मैं चुप रह गया। एक ही थप्पड़ मारा उसको, वो तो बीच में टीना आ गई और उसने उसे बचा लिया।
कहने लगी, जीजू उसे माफ कर दीजिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई किसी और को क्या दोष देगा। और मुझे तो ताज्जुब होता है कि आपने इतने साल किस मजबूरी में उन लोगों के साथ निकाल दिए। सुकेश, क्यों बात को इतना बढ़ा रहे हो? हाँ, मुझे एक बार टीना से बात करनी थी। वाह, इतना कुछ सुनने के बाद, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद भी आप बात ही करना चाहती हैं? सही है, शी इज योर सिस्टर, इट्स योर लुकआउट। मैं तो वैसे भी इस घर का हूं ही नहीं। विक्की भी यही बोल के गया है, घर जमाई हो, इतनी सी भी इज्जत नहीं रखी उसने मेरी। और तुमने कौन सी उनके घराने पे इज्जत की थी? ये वही मेरा देवर है जिसे कल तक तुम गले लगा के प्यार किया करते थे। काम्या, आज से पहले बात अलग थी, वो आपके पति का छोटा भाई था और तलाक आपने दिया है। हम सब तो तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारा साथ दे रहे हैं। बच्ची नहीं है आप, बच्चों की मां है। आखिर आपकी मर्जी। हद हो गई, मैं तो कहता हूं हद हो गई। हदें हमने पार नहीं की है, हदों की कद्र करना उन्होंने छोड़ दिया है। तुम कहना क्या चाहती हो? सुकेश ने विक्की की बेइज्जती कर दी, तब उसे हदों का ख्याल नहीं आया? हमारी बेटी को भगा के ले जा रहा था वो। आपको अपनी बेटी की फिक्र हो ना हो, पर मुझे है। कम ऑन सीमा, ये वही लड़का है जिसे कुछ दिन पहले अपनी बेटी को विदा करने की तुमने रजामंदी दी थी। ये वही लड़का है जिसे तुम फोन करके कहती थी बेटा टीना कॉलेज से देर से आएगी, प्लीज उसे पिकअप कर लो। ये वही लड़का है जब काम्या घर आती थी त्योहारों में, ये उसके साथ आता था। बस बस मिस्टर कपूर, काम्या के सारे रिश्ते उस घर से कदम निकालने के बाहर खत्म हो गए, और ये बात मैं एक बेटी की रिस्पॉन्सिबल माँ होने के नाते बोल रही हूँ। मतलब तुम वो गलती दोहरा रही हो जो काम्या ने की थी? आग को हवा दे रही हो? मैं ये सब बातें अपनी बेटी के पिता होने की हैसियत से कह रहा हूं, तुम सुन रही हो कि नहीं? इस तरह बाजू पकड़ के अगर आपने मनीष से पूछा होता कि उसने हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, तो आज हमारी बेटी दर दर की ठोकरे नहीं खा रही होती। या उस विकी से पूछा होता कि उसने हमारी बेटी को गुमराह क्यों किया है, जब जब बहार आए। इस तरह बाजू पकड़ के अगर आपने मनीष से पूछा होता कि उसने हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, तो आज हमारी बेटी दर दर की ठोकरे नहीं खा रही होती। या उस विकी से पूछा होता कि उसने हमारी बेटी को गुमराह क्यों किया है, तब तब मिस्टर कपूर, तब मैं आपकी हैसियत को नापती। एनीवे, यू जस्ट डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ एक चिंगारी है जो वक्त की बूंद इन्हें ठंडा कर ही देगी। तुम नहीं समझ रही हो सीमा, ये चिंगारी आग बनकर
सारे रिश्तों को जलाकर राख कर देगी। I'm sorry. तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? क्योंकि क्योंकि सब मेरे कारण ही तो हुआ है। क्यों? मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। हम दोनों हैं ना? बट क्या करूँ? I really love you. मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती विकी, नहीं रह सकती। नहीं भैया, दिखाने कहूंगा तो दिखाएगा। नहीं नहीं भैया, फोन में रिचार्ज खत्म हो गया है। नहीं है ना भैया। तो तस्वीर से सुनिए बातें कर रहा है, फोन लगा बात कर। भैया भैया मैं तस्वीर से ही बात करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां से कोई जवाब नहीं आएगा। दीदी विकी का फोन भी आएगा ना तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। टीना दीदी, मैं ऐसा कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती जिससे आपको तकलीफ हो। टीना तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई और तुमने इतने बड़े बड़े फैसले लेना शुरू कर दिए। जिंदगी शुरू नहीं हुई इसलिए तो मैं नहीं चाहती ना कि मैं कोई ऐसा फैसला लूँ जिससे आगे जाके मुझे पछतावा हो। No, Didi, I didn't mean to hurt you. एक वक्त था जब आपकी शादी हमारे लिए एक मिसाल थी और हमें सिखाया जाता था कि एक पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है। अब हमेशा से मेरी आइडल रही है। ये सच है कि मैंने आपको अपना आदर्श माना है और मैं उसी थॉट से आज बड़ा हुआ हूँ, पर आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि आपका तलाक ही मेरे लिए सबसे बड़ा सबक है। आज के इंसिडेंट के बाद तो ऐसा लगने लगा है भैया जैसे शादी सौगात नहीं सबसे बड़ी गलती है। जब जब बहार आए। आज के इंसिडेंट के बाद तो ऐसा लगने लगा है भैया जैसे शादी सौगात नहीं सबसे बड़ी गलती है। मुझे कपूर खानदान का घटियापन गिना रहा था। बदतमीजी और गुंडापन तो उनके रग रग में बसा हुआ है। सिर्फ आपकी वजह से मैं चुप रह गया। एक ही थप्पड़ मारा उसको। ये क्या है? मैं जा रहा हूं मनीष भैया। चाहता था कि चुपचाप चला जाऊं, पर आपसे इसलिए मिलके जा रहा हूं
क्योंकि ये सब आपकी वजह से हुआ। खुद की गलती नहीं दिखती है। बड़ा शौक है भेस बदलने का। अपना काम तो ठीक से कर नहीं सकते हैं, चले दूसरों का काम करने। क्या जरूरत थी उधर भेस बदल के जाने की? क्या जरूरत थी विकी को उधर बकवास करने की? पकड़े गए, चुपचाप वापस आ जाना चाहिए था। भैया उससे नहीं बर्दाश्त हुआ जब उस डीजे ने हमारे खानदान को गाली दी। उससे पहले उसने विकी भैया को थप्पड़ भी मारा था। तो विकी भैया के संस्कार हैं, वो तब कुछ नहीं बोले। अंदर मेरे कारण घर छोड़ के जा रहा था ना, अब मैं कह रहा हूं अंदर जा। तुझसे बात कर रहा हूं, उधर क्या देख रहे? कौन है उधर? अंदर जा, पापा को मैं हैंडल कर लूंगा। हाथ जोड़ो। ऐसा मत कहिए भैया। आप कामिया भाभी से एक बार बात कर लीजिए। भैया उससे नहीं बर्दाश्त हुआ जब उस जीजे ने हमारे खानदान को गाली दी। वो एक नालायक सुकेश, उसने भी पता नहीं क्या क्या कह दिया उसे। उससे पहले उसने विक्की भैया को थप्पड़ भी मारा था। उससे नहीं बर्दाश्त हुआ जब उस लड़के ने हमारे खानदान ने गाली खानदान को गाली खानदान ने वो एक नालायक सुकेश उससे पहले उससे पहले थप्पड़ भी मारा था। थप्पड़ भी मारा था।